हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ, अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ। धन्यवाद खुदावन, हम सब तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, तेरी दया बहुत बड़ी है खुदा, जो हम सब पर हुई है। आज अपनी पावर से, अपनी वर्ड से, आत्मा से हमें आप बदलोगे और आगे बढ़ाओगे और ब्लेस करोगे और ब्लेस करोगे, ब्लेस करोगे, ब्लेस करोगे। एक बार ऊपर पूरा हाथों को उठाओ और अंगीकार करो परमेश्वर के पवित्र वचनों को, जो तुमने सीखे हैं, जो तुम्हारे मुंह में, मन में, उन वचनों से याद करो खुदा को, उसकी भलाइयों को, उसने कितने अद्भुत काम और भले काम हमारे जीवन में किए। याद करो सर्वशक्तिमान पिता को, वो तुम्हें छू रहा है और आज और ब्लेस कर रहा है और बदल रहा है, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने, मांगो आज के वचन के लिए बुद्धि, समझ कि परमेश्वर हम जो कुछ भी आज सीखें वो सारा हमें समझ आए, हम आगे बढ़ पाए और तेरी इच्छा में चले, और तेरी इच्छा में ही चलना जीवन है। मांगो समझ को, बुद्धि को, और परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, और कहो परमेश्वर हम तेरे चुने बच्चे हैं, बहुत आज्ञाकारी बन चुके हैं, और निश्चय आज का वचन हमारी समझ में बैठ चुका है, हम उस पर चल चुके हैं, ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तुम कितना बड़ा जीवन चाहते हो, कितनी बरकत चाहते हो, तो इस वचन को अपने जीवन में लेना, इस समझ को अपने दिल में, जीवन में रखना, पुराना जन्म और नया जन्म। बाइबल इसके बारे में बड़ा जबरदस्त फोकस करवाती है। अगर हमारे जीवन में ये फोकस नहीं है, क्या मैं पुराना जीवन तो नहीं जी रहा, क्या मैं शैतान की इच्छा पर तो नहीं चल रहा, क्या मेरे जीवन में शारीरिक जीवन तो नहीं काम कर रहा, तो चेक करना है, ध्यान देना है। ये हमारा काम है, ये मनुष्य का काम है, ये विश्वासी का काम है। आप बहुत सारे अपने कामों में ध्यान रखते हो, क्योंकि ये तुम्हें रखना होगा ना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा। और यही परमेश्वर ने हमें बताया है, तुम्हें ये समझना होगा। लेकिन नया जन्म क्या है, ये बड़ा विषय हमारे लिए। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें पुराने नियम में एक शमशून नाम के नजीर, परमेश्वर के नजीर के बारे में समझाता हूं, क्यों परमेश्वर का वहां वचन हमारे लिए लिखा गया। मैं उसके बारे में दो वचन पढ़ूंगा बस, ठीक है। लेकिन अगर तुम शमशून के बारे में पढ़ोगे सारा, तो इसके बारे में, इसकी ताकत के बारे में ज्यादा प्रचार होगा। लेकिन जो मैं तुझे समझाने जा रहा हूं, ये अलग है, ये खास है तुम्हारे लिए। अगर तुम शमशून के बारे में पढ़ोगे न्यायियों की बुक में, उसका 13 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन, जब वो पैदा हो जाता है एक पवित्र तरीके से, परमेश्वर उसको मां के गर्भ से ही नजीर ठहराता है, पवित्र आत्मा से ब्लेस करता है मां के गर्भ से, ऐसा फिगरेटिवली लिखा हुआ है। 24 को पढ़ते हैं, और उस लिखा, और उस स्त्री का एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनेदान
मैं उसको उभारने लगा। बाइबल ये कहती है मूसा और यहोशू के बाद जो इज़राइली थे वो शरीर में थे, उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था, उनके पास व्यवस्था थी, परमेश्वर की 616 आज्ञाओं की एक व्यवस्था, बहुत सारे अलग अलग नियम जो इज़राइलियों को मानने थे, और वो इसलिए थी क्योंकि वो शारीरिक थे, इसलिए ऐसी व्यवस्था थी, बड़ी अजीब चीजें थी उसमें। लेकिन बाइबल ये कहती वो बिना आत्मा के शरीर में जीते थे और शरीर की बातों से रिलेटेड उन्हें एक व्यवस्था दी गई थी, उसमें कुछ बातें नए नियम की भी थी बहुत थोड़ी, बाकी सारी आने वाले नए नियम में वो नहीं चाहिए थी, ऐसी ऐसी व्यवस्था दी। लेकिन बाइबल में लिखा वो हमेशा ही आगे पीछे होते थे और परमेश्वर उनके लिए न्याय खड़े करता था उनके लिए, ताकि उन्हें बताए, उनके लिए लड़े, ताकि उन्हें बचाकर रखे दूसरी जातियों से, और उनमें से एक शिमशोन भी था। लेकिन बाइबल में लिखा जब वो बढ़ रहा था, और क्या होता है 14 अध्याय में वो एक स्त्री को देखता है जो प्लिश्ती है, अपने घर वालों को कहता है उससे मेरी शादी कराओ। रस्ते में एक वाक्या होता है जो पढ़ते हैं हम, 14:5 में लिखा तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा, वहां उसके सामने एक शेर गरजने लगा, जवान शेर। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और जब भी उसके हाथों में कुश ना था तो भी उसने उसको ऐसे फाड़ डाला शेर को जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना ये काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। हालेलुया। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यहां अगर तुम पूरा शिमशोन के बारे में पढ़ोगे तो वो पलिश्तियों से लड़ा और इसराइलियों को बचाता रहा, खुदा का आत्मा उसमें बहुत बल से ताकत से काम करता था। लेकिन जब इसको ध्यान से समझोगे, शिमशोन को, इसके जीवन को, तो ये बहुत सारी चीजें वचन से बाहर कर रहा था शरीर में, जबकि इतना बल से आत्मा उसके अंदर काम कर रहा था, परमेश्वर ने उसे ठहराया था अपने लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा था जो शारीरिक थी, परमेश्वर की इच्छा से बाहर थी। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जब आप देखोगे इसको, इसकी जब शादी हो जाती है प्लिश्ती लड़की से तो उनके बीच में इसका थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, ये अपने ससुर से कुछ बातों से नाराज हो जाता है, गुस्से हो जाता है, और ये 300 लुम्बड़ियों को पकड़ता है और पकड़कर दो दो लुम्बड़ियों के पूछों को आपस में बांधता है और बीच में एक मशाल, और उस मशाल में आग लगाकर जितने भी प्लिश्तियों के खेत थे, खड़ी फसलें थी, कटनी का टाइम था, फसलें पकी हुई थी, लुम्बड़ियों को जब छोड़ देता है उनकी सारी फसलें नष्ट हो जाती है। ठीक है, फिलहाल प्रॉब्लम उसकी सिर्फ ससुर से थी, अपने ससुराल वालों से थी, लेकिन वो बदला या गुस्सा क्रोध पूरे पलिश्तियों के साथ शुरू कर देता है। बाइबल में इसको पढ़ोगे आप तो ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर से इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे परमेश्वर की इच्छा है बाइबल को पढ़कर। नो, ना तो कभी शुरू से परमेश्वर की ऐसी इच्छा थी और ना कभी दुनिया में होगी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आएगी? क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को जब खड़ा करता है
और दूसरे लोगों को हमेशा वो अवसर देता है कि वो बच जाएं, उनका नाश ना हो, वो बचाए जाएं। ये शुरू से ऐसा परमेश्वर था। परमेश्वर अपने लोगों को ताकत से इस्तेमाल करता है, दूसरे लोगों को हराता है, शर्मिंदा करता है। लेकिन इसके ये जो जीवन की बातें इसे समझ आती है, इतना बल बाने के बावजूद इसके ऊपर कोई अगुआ नहीं था कि जो इसे डायरेक्शन दे, राइट वाली, सही वाली। ये जो कुछ भी करता था अपनी समझ से, बुद्धि से करता था। बल इसके पास इतना ज्यादा था कि जब ये वाक्या होता है, इसके बाद झगड़ा होता है पलिश्तियों से, ये गधे के हड्डी से, चबड़े की हड्डी से 1,000 से भी ज्यादा पलिश्तियों को खत्म कर देता है। इतनी ताकत इसके अंदर काम करती है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं एंड में, इस पूरी बुक को पढ़ते हैं, तो लास्ट में इसकी जो मौत होती है वो बड़ी बुरी तरह से होती है। आप सोचो, एक धर्मी जन की मौत ऐसे होनी चाहिए? आप बताओ मुझे। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जब जब ये राइट चीजें कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था बचाव के लिए, लेकिन जब जब ये शरीर की चीजें कर रहा था, तो वो अपने आप से, ये आत्मा से गिर रहा था, अपने आप ये शरीर में गिर रहा था। लेकिन इसी का कारण अंत में इसकी गलतियों, अगर आप पढ़ोगे तो इसने वैश्या तक उनके साथ व्यभिचार किया। इसके जीवन में वो धर्मी का जीवन, जैसे हमने योसेफ को देखा, जब एक पोतीपर की पत्नी उसे पकड़ती है कि मेरे साथ व्यभिचार कर, वो अपना कपड़ा छुड़ाकर, जब वो पकड़ लेती है, छुड़ाकर भागता है, क्योंकि उसके अंदर वचन था। वो भी पुराने नियम में, ये भी पुराने नियम में, वो भी धर्मी था, ये भी खड़ा तो धर्मी किया गया। लेकिन इसके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो इसकी अपनी बुद्धि थी, अपनी समझ थी, अपनी इच्छा थी। कब परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर ने इसकी मां को कहा, उस जमाने की कोई रीति थी पुराने नियम में, नए नियम में ऐसी कोई रीति नहीं, इसके सिर पर उस्त्रा मत चलाना। और परमेश्वर ने कहा था इसकी मां को कि दाग की बारी से जुड़ी हुई कोई भी चीज नहीं खाना, ना तो उसके पत्तों को खाना, ना जड़ खाना, ना टानी खाना, ना अंगूर खाना जिससे शराब बनती है, एक भी चीज नहीं खानी। परमेश्वर तो उसकी मां को मना कर रहा है जिस चीज से शराब बनती है, शराब जिस चीज से बनती, उस चीज को उसकी मां को कहा खाना नहीं, क्योंकि जो तेरे गर्भ में आने वाला है वो नजीर होगा, गर्भ से नजीर होगा। उसके लिए वर्ड बड़ा था, योजना बड़ी थी। लेकिन जब हम समझते हैं उसका चलना, तो वो उसकी अपनी मर्जी थी। आज भी हम खुश लोग बाइबल में चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं। मैं देखता हूं यीशु में चलने वाले भी कुछ व्यभिचार करते हैं, आज भी शादीशुदा भी व्यभिचार कर लेते हैं, कुंवारे भी कर लेते हैं यीशु में चलकर, लेकिन मर नहीं रहे, अभी मरे नहीं, क्योंकि दया काम कर रही है। क्या काम कर रही है? इसका मतलब ये नहीं कि दया काम कर रही, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, इतना बड़ा पाप करने से तो तुम जो मर्जी करो। फिर याद रखो, शमशून की तरह उसके दुश्मनों ने पकड़ कर ना गरम आग की भट्टी में डालकर इतने लंबे लंबे सरिये उसकी आंख में डाल दिए थे शमशून की। सोचो, जब वो धकते हुए वो सरिये जो रेड कलर के थे उसकी आंख में डाले गए होंगे, क्या हाल हुआ होगा? क्या परमेश्वर कहीं चला गया था? उसके कामों के कारण ऐसा हुआ था। इसे बोलते हैं पुराना जीवन और नया जीवन। अगर हमें यह समझ ना आया पुराना जीवन क्या है, नया जीवन क्या है, जीवन से बढ़कर क्या है, बताओ मुझे। हालेलुया! कितने लोगों को समझ आ रही है? मैं बोल रहा हूं जीवन से बढ़कर क्या है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी कोठियां, तुम्हारा घर, तुम्हारा सोना, तुम्हारी चीजें तुम्हें बचा नहीं पाएंगी मौत से। तुम बच पाओगे परमेश्वर की इच्छा में चलकर, वो जो चाहता है वो करके, उसकी इच्छा को पूरा करके। ये पकड़ना होगा तुम्हें, जितना चाहो ले लो। इसीलिए हमें ज्ञान दिया है। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश होती है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा वचन सुनता
उस पर तुरंत चलता उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बाढ़े आई, आंधियां आई, हवा आई, तूफान आए, उस घर से टकराए, उस घर को कुछ नहीं हुआ। उसके अपोजिट जिन्होंने वचन सुना और माना नहीं, पूरा नहीं किया, उन्होंने अपना घर बालू पर, रेत पर बनाया। सेम बाढ़े आई, हवा आई, तूफान आई, उसके साथ टकराए, वो घर सत्यानाश हो गया। क्यों ऐसी बातें हैं? वचन को समझो, खुदा की इच्छा को समझो, वो हमारे लिए जीवन है, वह विचार हमारे लिए नाश। इसको देखो, पहले इसने पलिश्तियों की लड़की से शादी की जो अकॉर्डिंग टू बाइबल से बाहर था, ये इसकी इच्छा थी, वो मना कर रहे थे माता पिता। फिर कोठे पर जाता है, वैश्या से व्यभिचार करता है, गलत चीजें भी कर रहा है और परमेश्वर की चीजें भी कर रहा है। और जो परमेश्वर की चीजें कर रहा है, तब तब परमेश्वर से इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों के लिए, जब जब ये शरीर की चीजें कर रहा है, और लास्ट में इसका अंत क्या होता है, ये बाइबल में साफ साफ लिखा है। इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा, इसीलिए हमें चौकस रहना होगा। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? मैं तुम लोगों को कुरिन्थियस का एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थियस में हम जाएंगे, ताकि हम यहां से अपने जीवन को किस दशा में रखना है ये सीख कर आगे बढ़े। अगर ये थोड़ा सा लंबा वचन है, लेकिन मुझे पढ़ाना होगा आपको, ठीक है? दूसरा कुरिन्थियस 3 अध्याय की अगर 1 से लेकर कुछ 15-16 तक लगातार पढ़ेंगे, तो यहां से सीखेंगे कि क्या विषय है पावरफुल नए जन्म का। कितने लोग आप में से नया जन्म पा चुके हैं? हाथ उठाओ, अब नीचे करो। जिन्होंने नहीं पाया नया जन्म, वो हाथ खड़ा करो। अभी तक जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया, नया जन्म क्या होता है उनको पता नहीं। कुछ लोगों को ना तो पुराने जन्म के बारे में पता होगा, ना नए जन्म बारे, कर दिए ऊपर नीचे, चल हो गया काम, ना ऐसा भी होता है। लेकिन ये बातों को सीखो। चलो हम शुरू करते हैं इस वचन को 3:1 से। क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी गई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, और पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई है। ये वचन को समझते हो तुम? क्या है इसका डीपली ज्ञान? क्या है हम विश्वासियों के लिए ये वचनों को क्यों लिखा गया है? नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए ये ज्ञान है, और इस ज्ञान में हमारे लिए समझ क्या है? तो ये प्रेरित पॉल जितनी भी कलीसियाओं को, जब बिलीवर्स को नियुक्त कर रहा था परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए, उनके लिए बात कर रहे हैं जो नया जन्म पा चुके थे। अगर तुम भी कहते हो मैं नया जन्म पा चुका हूं, तो सीख लो वो क्या कहता है। वो कहता है अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां या तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है, या हमारी पत्री तुम ही हो। सुनो इधर देखो, ये बड़ा विषय है। पत्री का मतलब जिस पर लिखा जाता है खुश, उसको बोलते पत्री, चिट्ठी। हालेलुया। उस पेपर पर जिस पर हम कुछ लिखते हैं, वो कहता है वो पत्री स्याही से नहीं, स्याही से नहीं, तुम हो वो पत्री, और जिसे मनुष्य पहचानेंगे और तुम्हें पढ़ेंगे, तुम्हें पढ़ेंगे, तुम्हारे जीवन को देखेंगे। हालेलुया। ये है वो आत्मा से भरा हुआ अगुआ जो नए जन्म में लोगों को तैयार कर रहा है। अगर आत्मा से भरा अगुआ मैं नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अन्य मिनिस्ट्रियों के विरोध में खड़ा करूंगा कि मेरी मिनिस्ट्री सिर्फ सही है और बाकी मिनिस्ट्रियां सारी गलत है, रॉन्ग है, चोर है, ठग है, सब ऐसा। तुम्हारे अंदर जहर बढ़ूंगा और तुम्हारा जीवन नष्ट करने की तैयारी करूंगा। एक दिन तुम हालातों में फंस जाओगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इसीलिए मुझे तुम्हें नए जन्म में तैयार करना है।
जहां तुम लोगों को क्षमा कर सको, हालेलुया, विरोधियों को माफ कर सको, तुम्हारे सामने जो गलत करने वाले उनके लिए प्रार्थना करो, भला मांगो, उनकी रूह नष्ट ना हो, उनका जीवन बचे, ऐसी पत्री, ऐसे तुम्हें जो लोग मनुष्य तुम्हें पहचाने और तुम्हें पढ़े, तुम्हारे जीवन को देखे। कितनों को बात समझ आ रही? और कहता है वो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, मतलब तुम्हें जो तैयार करना है वो नॉर्मल विश्वासियों के तरह नहीं, सेवकों के समान। और कहता वो स्याही से नहीं, जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा गया है। तो मैं ये वचन जो तुम्हें लिख रहा हूं तुम्हारे हृदय के ऊपर, ये लिखे जाने चाहिए, छपे जाने चाहिए वचन, और तुम इस पर चलने वाले बनने चाहिए। हालेलुया। फिर देखो कैसी ताकत काम करती। दुनिया में तुम्हारा विरोध हो, तुम्हें लोग झूठी गवाहियां दे, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो इंसान क्या, शैतान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के पास तो कुछ करने की ताकत नहीं है, लेकिन शैतान के पास तो है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। ये शब्द के सेवक नहीं, मतलब व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था के सेवक नहीं, वर्ण आत्मा के, क्योंकि व्यवस्था शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। हालेलुया। शब्द का मतलब पुरानी व्यवस्था, शब्द का मतलब पुराना जीवन, शारीरिक जीवन, ये हमें मारता है। आत्मा के द्वारा जो जीवन है, नया जन्म, ये हमें जीवन देता है। शरीर में हम हमेशा लड़ेंगे, गलत चीजें करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? शरीर में हम हमेशा लड़ेंगे, शरीर में हमेशा हम गलत करेंगे, इसीलिए ऐसे लिखा है, शरीर मारता है और शब्द जलाता है, आत्मा जलाता है। शब्द को व्यवस्था भी कहा है, और व्यवस्था पुराने नियम में और नए नियम में उसका डिफरेंस बताया कि व्यवस्था किसी को धर्मी ठहरा नहीं सकती थी, व्यवस्था किसी को आत्मिक नहीं बना सकती थी। यीशु की कुर्बानी, यीशु के द्वारा आत्मा का दान, ये हमें सिद्ध करता है, ये हमें आत्मिक बनाता है। हालेलुया। हम और भी पढ़ते हैं आगे, यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर लिखे गए थे यहां तक तेजोमय हुई, तो मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इसराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, ये दोषी ठहराने वाली वाचा क्या है? लिखा दोषी ठहराने वाली वाचा भी तेजोमय हुई, तो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है वो और भी तेजोमय क्यों ना होगी? ये दोषी ठहराने वाली वाचा पढ़कर देखना, वचन में लिखा अगर किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया तो बदले में लिखा उसका भी दांत तोड़ो, किसी ने आंख फोड़ दी तो लिखा बदले में उसकी भी आंख फोड़ो, ये दोषी ठहराने वाली वाचा थी, क्योंकि जैसा कोई कर रहा है वैसा उसके साथ करो, पुराना नियम ये कहता है। और नया नियम क्या कहता है? अपने दुश्मनों को भी माफ करो, ये नया जन्म। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि पुराने नियम में वो दोषी ठहराने वाली वाचा, और नए नियम का जो वाचा है वो क्षमा करने की है। अगर तुम्हारे सामने किसी ने अपराध किया है तो उसे क्षमा करो, उसे मौका दो। लेकिन अगर कोई उठकर किसी ने अपराध नहीं भी किया तो उसे बड़ा गड़बड़ तरीके से दोषी ठहराते हैं, तो सोच लो उनकी जिंदगी कौन सी है। अकॉर्डिंग टू बाइबल या शारीरिक जीवन, शारीरिक जीवन, और तुमने भी ये जीवन कभी नहीं जीना, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है। तुम्हारे लिए वो रखा है
जो तुमने सोचा भी ना होगा। और ये कहानी नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ, घमंड के साथ, खुदा के ऊपर घमंड के साथ, बाइबल में लिखा पॉलस कहता है मैं घमंड करता हूं अपने आप पर नहीं पर परमेश्वर पर, क्योंकि उसने मुझे चुना है, उसने मुझे खड़ा किया है। तो ये घमंड मैं करता हूं परमेश्वर के ऊपर कि उसने मुझे खड़ा किया है। हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये मिनिस्ट्री और इस मिनिस्ट्री के लोग क्या है, वो ताकत प्रकट करके, वो गवाहियों को प्रकट करके, वो सामर्थ को प्रकट करके। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आगे और भी पढ़ते हैं, वचन में लिखा और जो तेजोमय था और भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था और वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। अभी अभी मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा, आगे वाली चीजें थोड़ी सी सुनो। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम याब के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मत्ती मंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वह मसीह में उठ जाता है। ऊंचा बोलो हालेलुया। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उन्हें उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है तो इस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर बदलते जाते हैं। हालेलुया। ये वचन हमें क्या कहता है? ये वचन कहता है कि मूसा ने जब परमेश्वर के दर्शन जबरदस्ती कहा मैंने देखना है, परमेश्वर के पिछले भाग का उसने दर्शन किया, गुफा से बाहर गिरा, फिर उसके मुंह पर एक तेज आया, बाइबल कहती धीरे धीरे वो तेज घट रहा था, फिर मूसा ने अपने मुंह पर पर्दा डाल लिया ताकि उस घटते हुए तेज को ना देखें, ताकि लोग नेगेटिव ना हो, वो नेगेटिव ना हो जाए परमेश्वर के प्रति। इसलिए वो जो परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है और लोगों का मन बना रहे हो राइट चीजें करे, इसलिए उसने ऐसा किया था अपनी बुद्धि से समझ से। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है नए नियम में? यहूदी लोग जब भी पुराना नियम पढ़ते रहते हैं, मूसा की पुस्तक पढ़ते हैं, वो व्यवस्था की बातें पढ़ते हैं, तो आज भी वो व्यवस्था की बातों को मानते हैं। इजरायली और यहूदी जो आज भी दुनिया में जिंदा है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और वचन में लिखा वो जो पर्दा पड़ा हुआ उनके बुद्धि पर मसीह में आकर उठ जाता है। लेकिन जब कभी वो यीशु मसीह को जानेंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे, तो वो पर्दा उनके जीवनों से उठ जाएगा। जो इज़राइल देश है उन यहूदियों की बात हो रही इस वचन में, जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनका जीवन शारीरिक रहा, उन्होंने यीशु मसीह को नए जन्म को नहीं लिया, आज भी व्यवस्था में मन लगाकर बैठे हुए यहूदी लोग। लेकिन अगर आज तुम और मैं अगर व्यवस्था की जीवन जीते हैं, नया जन्म पाकर रगड़े झगड़े झूठी गवाहियां दोष व्यभिचार गलत काम, तो समझ रखो आज भी हमारी बुद्धि पर वह पर्दा पड़ा है। लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल ये कहती यहां प्रभु का आत्मा है, क्योंकि प्रभु आत्मा है वहां आजादी है। जब तुम्हारे जीवनों में वो प्रभु है तो फिर वो पुराना जीवन नहीं, तुम स्वतंत्र हो व्यवस्था से, पुराने जन्म से, गुस्से से, क्रोध से, पुरानी रीतियों से, पुराने जीवन से। जब प्रभु का आत्मा तुम में है तो तुम स्वतंत्र हो। कितने लोगों को समझ आ रही? और वचन में लिखा परंतु जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकट होगा, हमारे चेहरे से, हमारे जीवन से प्रभु का जीवन प्रकट होगा। हालेलुया।
कितनों को समझ आ रही? जिस प्रकार दर्पण में हम शीशे में देखते हैं ना तो सारा कुछ साफ नजर आता है, इसी तरह हमारी जिंदगियों से साफ नजर आएगा जब ये वर्ड, ये ज्ञान, ये समझ, नया जन्म प्रभु का हमारे जीवन में होना में समझ आ जाएगा। ये जानते हो प्रेरित पौल यहूदियों के लिए बात कर रहा था, यहूदियों के बीच में जब वो प्रचार कर रहा था उन्हें ये बातें बता रहा था, क्योंकि वो आज भी वो पुरानी व्यवस्था की पढ़कर उसी में लगे हुए हैं। नई वाचा, वो कहता है पुरानी वाचा जो शब्द, जो वो पुरानी व्यवस्था जो मारती है तेजोमय थी, तो वो वाचा जो जीवन देती और तेजोमय क्यों ना होगी। आज मसीह में जो लोग हैं इतने पावरफुल हैं, तुम लोग इतने ताकतवर लोग हो, लेकिन इसकी समझ कम है तुम्हें कि हम कितने ताकतवर हैं। आत्मा पाने के बाद हमारा जीवन क्या है? आज भी हम छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी लतों से खुदा इतना बड़ा है। लेकिन इस वचन को समझो क्या लिखा है, जैसे दर्पण में शीशे में हम देखते हैं साफ, ऐसे तुम्हारे चेहरे से लोग देखेंगे तुम मसीह हो, तुम मसीह का रूप तुम्हारे जीवनों से प्रकट होगा। बाइबल में लिखा तुम अगर तुम में धड़े बंदियां हैं, तुम एक दूसरे को काट खाने की बातें करते हो, तो तुम में मसीह का जीवन नहीं। तुमने अपनी जिंदगी में कभी किसी का विरोध नहीं करना, यह शिक्षा है तुम्हें। तुम्हें मैं जो ज्ञान दूंगा वो बहुत मिनिस्ट्रियों से अलग तो होगा, क्योंकि मैं रीतियों को नहीं मानता, मैं मटीरियलिस्ट चीजों पर प्रार्थना करके नहीं देता, लेकिन फिर भी तुमने किसी के विरोध में नहीं जाना। बोलो, मैं मटीरियलिस्ट चीजों को ना मानता हूं ना कभी मानूंगा, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। सारा काम पवित्र आत्मा ने करना है, मटीरियलिस्ट चीजों ने नहीं करना, आत्मा से चलना है, आत्मा के द्वारा जीवन है। ये कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, हमारे लोगों को, लेकिन फिर भी हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। इस ज्ञान को तुम्हें सिखाएंगे, बढ़ाएंगे और तुम जबरदस्त आगे जाओगे। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे इसी का, चैप्टर 10 कुरिन्थियस का, 10 से 1 से पढ़ना शुरू करेंगे 6 तक लगातार। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। वाओ, क्या कह रहा है ये परमेश्वर का पवित्र वचन। कहता है मैं वही पौलुस हूं जो तुम्हारे सामने दीन रहता हूं। इसका मतलब अगुआ भी दीन रहता है, सोचो, और पीठ पीछे तुम्हारे सांस करता हूं। ये बड़े फिगरेटिवली वचन है, इनकी अखंडता को समझना होगा। हालेलुया। यीशु ने जो काम किया वो कंप्लीट है, उस पर विश्वास करो और ताकत को देखो, सामर्थ को देखो। लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर से आत्मा में आना पड़ेगा, क्योंकि शरीर शरीर की चीजों पर मन लगाता है और आत्मिक, आध्यात्मिक, आत्मा की बातों पर मन लगाता है, आत्मा की बातों पर। मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूं ये आत्मा की बातें, ये शरीर की बात नहीं है। मुझे ये प्रचार करना दुनिया में थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि कठिन के बड़े कारण है जो तुम्हें अभी क्लैरिटी नहीं दे सकता। लेकिन खुदा तो है ना, जिसने मुझे खड़ा किया, जिसने मेरी बुद्धि खोली है, वो है। तो ये उसका प्रचार दुनिया में बहुत तेजी से जाएगा, लाखों करोड़ों दुनिया बचाई जाएगी और सामर्थ काम करेगी और ताकत काम करेगी। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर यह वचन को सुनो ध्यान से। वचन में लिखा है 10:2, मैं ये विनती करता हूं। पहले वो कहता है तुमको मैं मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। सोचो, वो प्रेरित पौल कुछ लोगों को जो शरीर में थे, शरीर की चीजें कर रहे थे, कहता मसीह की कोमलता, मसीह की नम्रता। कुछ लोग ना वचन को गलत इंटरप्रेट करते हैं, कहते यीशु ने कोड़ा चलाया ना ऐसे लोगों पर जो बिजनेस करते थे, जो बिजनेस करते थे ना वहां भवन में, उन्होंने सत्संग बंद कर दिया था। जैसे ये अंदर भवन है ना, तो इसके अंदर, भवन के अंदर उन्होंने सत्संग तो बंद कर दिया, और वहां पर क्या कर दिया, दुकानें लगा ली,
और जब दुकानें लगा ली तो वो जितने बिजनेस करते हैं, क्या प्रभु नहीं चाहता वो बिजनेस करो? करो, लेकिन बिजनेस की जगह बिजनेस करो। उन्होंने संगति बंद करके गलत स्थान चूज कर लिया, खुदा का घर। एक्चुअली जो जानवर होते ना किसी चीज को टच करने से समझते किधर जाना है, वो काम किया था यीशु ने उनको बाहर निकालने का। हाँ उनके पीड़े पुड़े उल्टाए, लेकिन उनको गाली नहीं दी, बुरा नहीं कहा, सिर्फ उन्हें वर्ड दिया कि ये मेरे पिता का घर है, प्रार्थना का घर है, तुमने इसे बिजनेस का घर बना दिया। उनको सिर्फ वर्ड से डांटा, वचन से समझाया, ना झगड़ा किया ना लड़ा। देखा, मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं, मैं ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय हो, निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं। प्रेरित पॉल को कुछ लोग ऐसे समझने लगे जैसे वो शरीर के गलत है, बिजनेसमैन है, ये है वो है। वो कह रहा है मुझे साहस ना दिखाना पड़े, क्योंकि कुछ लोग जो हमें शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। हालेलुया। कितने लोगों को यह आवाज समझ आ रही है इस वचन की? विवचन हमें क्या समझाता है कलीसिया? ना तो मेरे लड़ाई के हथियार शरीर के, ना तुम्हारी। हमारे लड़ाई के हथियार क्या है? आत्मिक, जो गढ़ों को डा देंगे, जैसे यहोशू ने किया था। यहोशू ने किसी तोप से या किसी हथियारों से, जैसे तोड़ते हैं ना किसी चीज को, जैसे आजकल तोड़ते कई पावरफुल चीजें आ गई है, उसने वचन को पूरा किया, आत्मिक वचन को, और यरीहो की दीवार टूटी, बड़े किले की दीवार टूटी। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, लड़ाई के हथियार शारीरिक समझते हो ना, दूसरों पर दूसरों को झूठा ठहराना, गलत ठहराना, दोष लगाना, झूठियां गवाहियां देना, बड़ा कुछ बोलना, या तुम भी लड़ो किसी बात से, या तुम भी कुछ ऐसी चीजें करो, शरीर से लड़ो। लेकिन हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, प्रेम, नम्रता, सत्य पर चलना, क्षमा करना, ज्ञान देना, लोगों को अपने जीवन से, अपने मसीह जीवन से जीतना, यह है हमारे लड़ाई के हथियार, जो गढ़ों को हम ढा सकते हैं, इतनी पावर को प्रकट कर सकते हैं। और ये नया जन्म है मसीह में, जो लोग नया जन्म पाए ये उनका जीवन है। जो नया जन्म नहीं पाए वो कहने को मसीह में होंगे, लेकिन उनका जीवन प्रकट करेगा कि वो नया जन्म पाए या शारीरिक है। हालेलुया। एक तुम्हें उदाहरण देता हूं आज, इस उदाहरण को पकड़ कर रखना। हम दो तरह के हैं, एक शरीर और दूसरा हमारे अंदर आत्मा। हमें जिंदा रहने के लिए रोज रोटी चाहिए, खाना डेली चाहिए या नहीं चाहिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए। अगर हमारी रोटी बासी है या हमारी रोटी में कुछ चीजें गलत मिक्स है, तो ऐसी रोटी खाओगे तो इन्फेक्शन होगी, बीमार होगे। अगर आपकी रोटी में जहर मिक्स है, जहर जहरीली है, जहर, ऐसी रोटी खाओगे तो क्या होगा? आपका शरीर डेथ करेगा गलत रोटी खाने से। जिस तरह हम दो तरह के, शरीर के लिए रोटी और आत्मा की भी रोटी है, और आत्मा की रोटी है परमेश्वर की भक्ति। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? शरीर की रोटी गलत खाने से हम मरेंगे, लेकिन आत्मा की रोटी भी गलत अगर खाएंगे, जैसे मान लो इस दुनिया में लोग पत्थर की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, वो आत्मा की गलत रोटी है,
उनकी रूह नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो मटेरियल की भक्ति कर रहे हैं, उस ताकतवर परमेश्वर की नहीं जो जीवित है, जो है, क्योंकि उनको पता नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। और कभी कभी कुछ मनुष्यों की पूजा करते हैं जिनका बाहरी रूप, पर आप जो मनुष्य है, जो इंसान है, जो परमेश्वर नहीं है, उसकी पूजा करोगे तो आपका आत्मा भी नष्ट होगा, क्योंकि आप गलत रोटी खा रहे हो आत्मा की। कितनों को बात समझ आ रही है? जब परमेश्वर का सही ज्ञान आपके पास नहीं होगा, अगुआ आपको सही ज्ञान नहीं दे रहा, तो तब भी आप आत्मा की रोटी गलत खा रहे हो, तुम शरीर में आगे पीछे जाओगे, हालातों में रहोगे, या अपनी इच्छा से आगे पीछे हो जाओगे। इसीलिए ये बातों को आज आपने पकड़ना है। इसीलिए ये वो कहता है, उन कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो मेरे अंदर उठती है, मैं उसका खंडन करूंगा जो परमेश्वर के विरोध में। हालेलुया। और ये बहुत हो रहा है अब मसीह लोगों में भी। बोलो, मसीह लोग भूल रहे हैं हम कौन है, किस लिए परमेश्वर ने हमें चुना, क्यों परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। फर्स्ट कुरिन्थियों 6:11 में लिखा, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, जब ऊपर पढ़ोगे ना थोड़ा सा, तो ऐसे लिखा है हमारे शारीरिक जीवन में, है ना, ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, 9 से पढ़ोगे, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्छे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना प्यक्कड़, ना गालियां देने वाले, ना अंधेर करने वाले, क्रोध करने वाले, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और मैं तुमसे कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हो। हालेलुया। यीशु मसीह के आत्मा से, प्रभु के आत्मा से धोए गए हो। अब तुम्हारा पुराना जीवन नहीं, नया जीवन है, वो तुमने जीना है। इसी के साथ एक वचन और पढ़ते हैं, 6:19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अपने जीवन से उसकी महिमा करो। तुम मोल लिए गए हो, तुम्हें एक मकसद से बुलाया गया है, पापियों को जीतने के लिए। हालेलुया। जो संसार में अंधकार में पड़े हुए लोग हैं, वो बचाए जाएं तुम्हारे जीवन को देखकर, तुम्हारे स्वभाव को, आत्मिक जीवन को। ऐसा ना हो तुम ऐसी चीजें करो कि वो ठोकर खाए। एक वचन और पढ़ते हैं, इसी का 10:10-12 वचन पढ़ते, क्या लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। इसलिए इस वचनों को याद रखना आप लोगों ने ध्यान से। कोई अपने आप को कहे कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़ जाए, क्योंकि उसके काम, वो कैसे चलता है, वो क्या कर रहा है, अगर वो चौकस नहीं है तो गिर पड़ेगा, हालातों में जाएगा। मैंने ये सब चीजें देखी है, लोगों को देखा है, अनुभव किया है। इसीलिए इस मिनिस्ट्री में मैं तुम्हें आत्मा में बढ़ाऊंगा। कितने लोगों को बात समझ रही, तुम जानते कौन हो, तुम जो बोलोगे वो होगा, और ऐसे बनने के लिए तुम्हें लगातार संगति में रहना चाहिए। तुम जो बोलोगे खुदा वो प्रकट करेगा, और शैतान भी ये जानता है, इसीलिए वो तुम्हारे मुंह से गलत अंगीकार बुलवाता है, कंटिन्यू वो सिचुएशन पैदा करता है। जैसे एक बहन का बेटा जेल में चला गया किसी कारण से, तो वो कह रही थी अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ठीक है, उसकी भावना थी, सिचुएशन थी, उसका हालात ऐसा था, तो अब वो परेशान थी तो बोल सकती है, लेकिन जो बोल रही थी ना, वो दुष्ट चाहता है, बोल बोल, तू गलत बोल ताकि मैं काम करूं,
मैं काम करके तुम्हें दूर करूं, तुम्हारी जिंदगी को खराब करूं। इसीलिए ध्यान दो अपने आत्मिक जीवन पर सब लोग। हालेलुया। तुम्हारा बोलना, अंगीकार करना एक बड़ा विषय है। कितनों को समझ आ रही है आज? आप जानते, जब मैं बोलता हूं तुम्हारे लिए प्रोफेटिक वर्ड, प्रार्थना के वर्ड, कुछ लोग उसे नॉर्मली लेते हैं। धन्यवाद, ठीक है प्रभु प्रभु, खड़े हैं। कुछ लोग तो खड़े इतने सिंपल होते हैं कि लग ही नहीं रहा कि ये मेरे मुंह से आने वाले पावरफुल वर्ड जो उन्हें जीवन देंगे, छुटकारा देंगे, ले रहे हैं। लग ही नहीं रहा, क्योंकि इतना समझ नहीं है कि जो प्रभु के, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मैं आत्मा से बोल रहा हूँ। जब मैं तुम्हें प्रार्थना करूँगा तो वो शब्द आत्मा से आएंगे तुम्हारी बरकत के लिए, आशीष के लिए। अब उन्हें पकड़ना, उन्हें पूरा करना, ध्यान देना तुम्हारा काम है। अगर आज का वचन तुमने दोबारा सुना, ध्यान दिया, तो तुम बहुत आगे जाओगे। 2024 खत्म होते होते ये मिनिस्ट्री डबल होने वाली है और तुम्हारे घर हदें चौड़ी होने वाली है। ये भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए इस मिनिस्ट्री की, इस अगुए की जो खुदा ने खड़ा किया है। तुम नीचे नहीं ऊपर किए जाओगे, तुम पूछ नहीं सिर ठहराए जाओगे, तुम गवाहियों के साथ खड़े किए जाओगे। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ। कहो जो चाहते हो, करो अंगीकार उसके सामने। खुदा, हम तेरे चुने हैं, पुराना जीवन नहीं, नए जीवन पाए हुए, नए जीवन को पाया है तेरी इच्छा में चलने के लिए। और नया जन्म, परमेश्वर के दर्शन, वो विजन्स तुम्हें आएंगे, वो आत्मा काम करेगा, उसकी उपस्थिति तुम्हारे साथ होगी और दुनिया तुम्हें देखेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? दुनिया तुम्हें देखेगी कि तुम खुदा के लोग हो। मांगो जो चाहते हो खुदावंश, मांगो जो चाहते हो खुदावंश, मांगो जो चाहते हो खुदावंश। वो आज काम कर रहा है तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारे बंद रास्ते खोल रहा है, तुम्हें ब्लेस कर रहा है, तुम्हें आशीष कर रहा है। ये वर्ड जो मेरे मुंह से आ रहे हैं वो तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में खुदा काम कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी में आशीष आ रही है, तुम्हारी जिंदगी को खुदा बदल रहा है। शरीर की चीजें तुम्हारी जिंदगी से जा रही है, शरीर के काम तुम्हारी जिंदगी से जा रहे हैं। तुम्हारे लड़ाई के हथियार शरीरिक नहीं, वो आत्मिक है जो गढ़ों को ढा देंगे। वो हथियार है प्रेम, नम्रता, विश्वास, उसकी इच्छा, उसके वचन पर चलना, मूंगा अंगीकार, उस पर भरोसा रखना, हमेशा नम्र रहना, विरोध मत करना, गुस्सा मत करना। संसार से झगड़ा नहीं है हमारा। बाइबल कहती है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, अंधकार से और शैतान से। इसलिए तुम्हारी और मेरी लड़ाई इंसानों से नहीं, किसी इंसान से नहीं, शैतान से। वो शैतान जो इस दुनिया में बुराई को खड़ा करना चाहता है, वो जो शैतान लोगों को भी यूज करता है। और यही समझ आएगी जब शैतान यूज करेगा कि लोग कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका बोलना कैसे होगा, उनका झूठा दोष लगाना कैसे होगा, तुम्हारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, क्या तुम्हें भी यूज कर सकता है घर में किसी के खिलाफ। इन सब बातों को आज सीखो और खुदा तुम्हारे साथ है और वो आज तुम्हें ब्लेस कर रहा है। वो आज आपकी जिंदगी को ब्लेस कर रहा है, वो आज आपकी जिंदगी को ब्लेस कर रहा है। आज का वचन तुम्हारे हृदय की पट्टियों पर लिखा गया है। बाइबल कहती तुम स्याही से लिखी हुई पत्री नहीं, खुदा के जीवते परमेश्वर के आत्मा और पत्थर की पट्टियों पर नहीं, हृदय की पट्टियों पर लिखी हुई पत्री हो। और दुनिया से पढ़ेंगे, तुम्हारे जीवनों को पढ़ेंगे, तुम्हारे बाहरी रूप से पढ़ेंगे, तुम्हारे बोल से, तुम्हारी समझ से पढ़ेंगे कि तुम खुदा की पत्री हो। और यही आज का वचन तुम्हें ब्लेस कर रहा है, आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है, आज का वचन तुम्हारी जिंदगी को प्रफुल्लित कर रहा है। और खुदा का आत्मा तुम्हें छू रहा है, खुदा का आत्मा तुम्हें बदल रहा है। तुम इन वचनों में बढ़ रहे हो, खुदा की पावर में बढ़ रहे हो, उसकी सामर्थ में बढ़ रहे हो, खुदा की पावर में बढ़ रहे हो। तुम हील होंगे, चंगाइयां पाएंगे, बरकत पाओगे, ऊंचा किए जाओगे, छुड़ाए जाओगे, नए नए लोग छुड़ाए जाएंगे और आशीष पाएंगे। ये बरकत तुम पर ठहरी।
हालेलुया।